दरवाजे पर झोला आया। मैया सुनीति ने सुना कि मेरी छोटी बहन का झोला आ चुका है। ऐसा ही नहीं लोगों, द्वार पर आ गया झोला, खबर जब रानी ने सुन पाई। बहुत सुंदर। बहन को अंदर ले सुरची को लेकर के अपने दरबार में प्रवेश करते हैं। मैया सुनीति ने जैसे सुना कि मेरी छोटी बहन का डोला मेरे दरवाजे पर आ चुका है, एकदम से बांदी को बुला लिया। ए बांदी, जल्दी से जा, मेरी छोटी बहन के लिए आदर और सत्कार के साथ में अंदर लेकर के आ। हाय, धीरे धीरे बांदी चलने लगी। कैसे चल रही है? अरे धीरे धीरे बांदी चल भाई दद भमर कल पामरे दद जंप कल। सुनीति ने अपनी बांदी को भेजा, बांदी जाओ मेरी छोटी बहन को आदर सत्कार के साथ अंदर लेकर के आ। हाय बांदी, धीरे 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 मैया सुरची के पास में आती है, डोला की झांप ऊपर को उठाई, हाथ जोड़ करके बांदी कहने लगी है, महारानी साहिबा आपकी बड़ी बहन आपका महलों में इंतजार करती है। दांती को पीस करके सुरची कहने लगी, ओ बांदी, कौन मेरी बड़ी बहन? एकदम से बांदी कहने लगी, ज्यादा जोर से बोलने की कोशिश मत करो, तुम्हारी बड़ी बहन सुनीति। दांती को पीस करके सुरची कहने लगे, ओ बांदी बुला ले मेरे पिया को। अरे मुझे क्या पता था कि मेरे पिया ने नागिन पाल करके मुझे पहले से महलों में रखी है। राजा उत्तानपाद आते हैं और रानी सुरची अपने पिया की तरफ टकटकी लगा करके देख रही हो। क्या बोली? महाराज जब एक तुम्हारे रानी थी तो मुझे व्यर्थ क्यों लाए हो, भोग करण को काफी की मोह भार झोंक। भार झोंक दे,
ए सैया, मुझे नहीं पता था कि आज दिन का सर्प तुमने पहले से ही पाल रखा है। नहीं नहीं, जल्दी बता दो। जब एक तुम्हारे बोलिए सुरची अपने पिया से, महाराज अब मुझे आप अयोध्या में ले तो आए हो, कल्याण सिंह चाचा जी। बस बस इतना एहसान करो, चोला तो एकदम से सुरसी कहने लगी है, महाराज भेज दो पीहर डोला और मेरे जाने जाबतपुरी पे पड़े गजब के। मैं नहीं रह सकती हूँ, मैं नहीं रह सकती हूँ। और डोला से नीचे उतर करके खड़ी हो गई। देखिए माताओं बहनों कितने दुख में, जब दुखिया भी शादी की है, लेकिन जब पत्थर दिल वाली औरत का हृदय नहीं पिघला। राजा उत्तानपाद कहने लगे, हे गोरी आप डोला को वापस मत ले जाओ, अरे दो चार महीने तुम उसके साथ में काटो और तुम्हारी नहीं बनेगी तो मैं तुम्हें अलग कर दूंगा। अरे भैया, एकदम से रानी सुरुचि कहने लगी, महाराज तुम दो चार महीना की बात करते हो, मुझे तो उस परकटी औरत के साथ दो मिनट भी नहीं बिता सकती हूं। और क्या बोली, मोई सौदान की भाषा सैया बिल्कुल नाई सुहावे। बहुत सुंदर, मुझे सौत नाम का शब्द ही अच्छा नहीं लगता महाराज। और क्या बोली है सुची, मोई सौत नाम की भाषा नाई सुहावे, उत्पात करे छोटे शब्द महाराज उत्तान पाद ने सुने। आह क्या हुआ भैया, अब ये दानी सुनी जा भाई अपनिया मुखी पानी रे, लदियो तो है न राजा के हुई आओ बेगम पानी रे। साथियों श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन परीक्षित, राजा उत्तानपाद फपक फपक करके